नमस्कार, मैं राजकुमार श्री और अरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 34 बालिका दिवस को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊँगा। वैसे तो इस पाठ को ZIEEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ बालिका दिवस सावित्री देवी फूले के जन्म दिवस पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि प्रातःकाल कक्षा में छात्र अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के पश्चात पाठ से जुड़े हुए किसी शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जिससे वे अपने कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं और उन्हें उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को शिक्षक विभिन्न प्रकार के पेशों की जानकारी पुनः अध्ययन के माध्यम से लागू कर सकते हैं। पूर्व प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक कक्षा में छात्रों को उपस्थिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पेशों की जानकारी को दोहराने में मदद कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक छात्रों को कहते हैं कि कल जब आपकी उपस्थिति दर्ज होगी तो आप पाठ में आए विभिन्न प्रकार के पेशों की जानकारी बोलेंगे। अटेंडेंस के दौरान आप यस सर या नो सर का जवाब नहीं देंगे। यह गतिविधि कक्षा के लास्ट स्टूडेंट तक कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप इस पूरी गतिविधि के दौरान अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से निर्देश देते हुए जब अगले दिन शिक्षक इस गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और बोलता है डॉक्टर। इसी प्रकार से जैसे बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और बोलता है खिलाड़ी। इस प्रकार से अलग अलग पेशों से संबंधित जानकारी को बोलकर वे विभिन्न प्रकार के पेशों को दोहराते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कही जा रही बात को, चाहे वो कहानी हो या कविता हो आदि को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वे अपने घर, विद्यालय, आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, संकेत हैं, स्थान, गतिविधियों को पहचानना सीखते हैं। वे कहानी और कविताओं को पढ़ना सीखते हैं, उनकी भाषा की बारीकियों को पहचानते हैं और उन भाषा की बारीकियों को फिर अपनी लेखन शैली में भी काम में लेना पसंद करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में और भी कई बातों को ध्यान रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा में इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलने चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए, PTR अनुपात क्या है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में कई जीवन कौशल, जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्यों का भी विकास होता है, जिनमें उत्तरदायित्व, विनम्रता, अच्छी आदतों को अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना इत्यादि का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस पाठ को अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे यूट्यूब चैनल ZIEEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।